विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुआ उसमें आपको पता होगा कि ऑलरेडी 11 लोग के मौत हुआ ऑलरेडी अनाउंस हो गए हैं, 250 लोग हॉस्पिटल में हैं, उनमें से काफ़ी लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं, 1000 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं और उससे भी ज़्यादा लोगों को अभी तक अपने घर से निकल के जाना पड़ा है क्योंकि ये गैस लीक हुआ था। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, उनको कितना पेमेंट देना पड़ेगा, लायबिलिटी जो कानून में कहते हैं वो क्या होगा। यहाँ पे इंडिया में हमारा एक कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, तो अगर आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हो जहाँ पे आप चाहे वहाँ पे कुछ डेंजरस चीज़ कर रहे हो, जैसे कोई लोग के जान के लिए कुछ खतरा हो सकता है जो काम है उसमें, या अगर आपकी जो प्रोसेस आपके फैक्ट्री में आपके प्लांट में कुछ डेंजरस सब्सटेंस यूज, जैसे यहाँ पे जो गैस है जो लोग के सेहत के लिए वो गैस अगर ख़राब हो सकता है, तो इन सब सिचुएशंस में अगर आप फैक्ट्री ओनर हो, प्लांट ओनर हो, कंपनी है जो ये सब चलाते हैं, आपका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होता है कि आप किसी के अगेंस्ट इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उनको कोई हार्म नहीं होना चाहिए जो कानून में कहते हैं। और अगर ऐसे हो जाए कि किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और आपके फैक्ट्री में ही नहीं जो फैक्ट्री के आसपास है अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर आपको उसके लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा और पूरी तरीके से। तो एक्चुअली क्या होता है कि कानून में बहुत सारे सिचुएशन में अगर हम कहें कि अच्छा यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, जाके उनको कोर्ट में सू करना है, उनके अगेंस्ट केस लगाना है, तो आपको दिखाना पड़ता है कि अच्छा उन्होंने कुछ नेग्लिजेंस किया, तो उन्होंने ठीक तरीके से अपना प्लांट नहीं मेंटेन किया था, उन्होंने कुछ गलत काम किया था, ऐसी चीज़ें नॉर्मली दिखाना पड़ता है। पर अगर एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाई किया जाता है, जैसे यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टाइरीन गैस जो है वो एक डेंजरस चीज़ है, कोई भी आपको जो जो विक्टिम्स है जिनको प्रॉब्लम है उनको ये नहीं दिखाना है कि कंपनी या फैक्ट्री या प्लांट ने कुछ गलत किया या उन्होंने कुछ नेग्लिजेंस किया। अगर उनके फैक्ट्री से कुछ चीज़ निकल के किसी को बीमार करके रखा या किसी को मार डाला या कोई भी इफेक्ट हुआ है उसके वजह से, इमीडिएटली उनके उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, चाहे उनकी गलती हो या ना। तो इसके वजह से ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पता होगा अभी तो कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम है वो चल रहा है, लोग कह सकते हैं कि अच्छा एलजी पॉलीमर शायद से जो फैक्ट्री चलाते हैं बोल सकते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ है वो कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से हुआ है, इसलिए हम जिम्मेदार नहीं हो सकते। पर एक्चुअली ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ये भी जो डिफेंस जो एक्सेप्शन होता है डिफेंस होता है ये भी नहीं चल जाता। तो ये नहीं बोल सकते कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर था, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्योंकि एप्लीकेबल है, इसके वजह से एलजी पॉलीमर्स को पूरे तरीके से यहाँ पे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। अब ये कॉम्पेंसेशन किस तरीके से होगा, दो चीज़ें हैं। एक है कि कोर्ट में जाके टॉर्ट क्लेम फाइल करो, जो आपको पता होगा लोग कहते हैं अच्छा हम इसको सू कर देंगे, ये होता है टॉर्ट क्लेम। तो टॉर्ट क्लेम मेन चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि लोग जाके कोर्ट में बोलेंगे कि देखो हमारा ये ऑलरेडी डैमेज हुआ है, कोई बोल सकता है कि मेरे जो फैमिली का मेंबर है उनको वो मर गए हैं, कोई बोल सकता है कि मुझे देखो हॉस्पिटल जाना पड़ा, मेरा जो गाय भैंस था वो मर गया इसके वजह से, या मुझे घर से निकलना पड़ा, मेरा इतना खर्चा हो गया, ये सब चीज़ें जाके आप क्लेम कर ही सकते हो। और इसके ऊपर क्योंकि यहाँ पे पब्लिक एक्सीडेंट हुआ, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे स्पेशल डैमेज हुआ है और इस उसके लिए भी ज़्यादा कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विक्टिम हैं, तो गवर्नमेंट से जो स्टेट गवर्नमेंट है जो केंद्र सरकार है दोनों को यहाँ पे मदद करना पड़ेगा, लोगों को क्लेम्स कमीशन करा दो उनके लिए, असेसमेंट ऑफ क्लेम्स के लिए कि पूरा जो पेपर वर्क जो भी कागज़ फाइल करने पड़ेंगे उसके लिए मदद करना चाहिए गवर्नमेंट को यहाँ पे। तो ये केंद्र सरकार और जो राष्ट्र के सरकार है वो दोनों यहाँ पे मदद कर सकते हैं लोगों के लिए। एक चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह ये नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने बोला था कि हम पूरा जिम्मेदारी लेंगे, हम इनके लिए लड़ेंगे कोर्ट में, फिर उन्होंने जाके सेटलमेंट कराया था, और चाहे उस टाइम लग रहा था कि सेटलमेंट बहुत अच्छा है, पर अभी देखते कि क्योंकि हमने देखा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी से इतने और भी प्रॉब्लम्स आ गए समय के साथ, तो इसके बाद ये जो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट उस टाइम उन्होंने अग्री किया था वो कम था, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई चल रहा है। तो उस टाइप का सिचुएशन नहीं होना चाहिए, उस टाइप का हमें यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो तरीका है कॉम्पेंसेशन के लिए, वो है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। ये
सिविल कोर्ट में टॉर्ट क्लेम ले रहे हो, जो सू कर रहे हो, वो उसके साथ में चल सकता है। वो ये इनमें से किसी एक को चुनना नहीं है, वो आप चॉइस दोनों ही कर सकते हो, आपको उनमें से एक को पिक नहीं करना है। अब ये जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि कोर्ट केस तो कभी कभी काफ़ी टाइम लगता है उन केसेस में और उसमें डिसाइड करने के लिए। पर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस का ये मतलब है कि जो कंपनी है जिनका कोई डेंजरस सब्सटेंस का जो काम चल रहा है, उनको एक स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ता है। और ये जो स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको उसके पैसे से निकाल के यहाँ पे इमीडिएट क्लेम्स पे कॉम्पेंसेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि इस जगह में जो लोकल कलेक्टर है, वो सब लोगों से क्लेम्स ले सकता है, जो विक्टिम है यहाँ पे, वो उनको क्लेम्स भेज देंगे, बोलेंगे कि हमारा ये सब लॉस हुआ है। कलेक्टर देख के बोलता है, अच्छा इसको इतना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, उसको इतना कॉम्पनसेशन, और एक मिनिमम कॉम्पनसेशन का जो बताते हैं, उसके बाद जो कंपनी है और उनके जो इंश्योरर है, उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे यूजफुल है, क्योंकि जैसे हमने बोला ये इमीडिएट है, तो ये भी ऑप्शन विक्टिम्स को भी देखना चाहिए। आखिरी चीज़ जो यहाँ पे हमें बात करना है इस बारे में, कि यहाँ पे एक जांच जो होगा, यहाँ पे जो इंक्वायरी होगा, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये बस यही नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे ऑलरेडी पुलिस बोल रहे हैं कि अच्छा अब तो ये स्टाइरीन गैस है, ये इतना भी, इससे लोग इतने मरते नहीं है, या कंपनी बोलेंगे कि अच्छा ये स्टाइरीन गैस इतना डेंजरस नहीं है। ये सब चीज़ें अभी ऑलरेडी मीडिया में आ गए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं बोलने के लिए कैसे, पर हमें ये मानना नहीं चाहिए अभी, और विक्टिम्स को भी ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। उनको हमें यहाँ पे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन देखना पड़ेगा कि जांच में क्या आ जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है करुणा नंदी, उन्होंने इस पॉइंट को बताया है, उन्होंने एक्चुअली गोपाल गैस विक्टिम्स के लिए काफ़ी काम किया, वो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी वही लड़ रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो असेसमेंट है इंडिपेंडेंट हो जाए, और जो एविडेंस है उसके लिए जो रिटायर्ड जजेस होने चाहिए एक कमेटी पे, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट, चाहे IITs हो या और कोई इंस्टीट्यूशन हो, उनको जाके ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और अच्छी बात ये कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है NGT, उन्होंने ऑलरेडी एक्चुअली ये बोल दिया है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट जांच होना चाहिए। उन्होंने 5 एक्सपर्ट का कमेटी बनाया है, उनको रिपोर्ट 18 मई तक देना पड़ेगा NGT को। तो ये सिस्टम ऑलरेडी और ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है, और भी चीज़ें की जरूरत होगा जांच के लिए, पर वो लग रहा है वो होगा। NGT ने एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ किया, उन्होंने बोला कि अभी अभी जल्द से जल्द LG पॉलीमर्स को जाके 50 करोड़ उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा इंटरिम कॉम्पेंसेशन के लिए। ये और बाद में बढ़ भी सकता है, पर अभी के लिए एटलीस्ट, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास है पब्लिक में, अभी जो भी आया है अभी तक, उसके बेसिस पे उतना तो उनको पे करना ही पड़ेगा, तो उनको अभी डिपॉजिट ये भी करना पड़ेगा। तो ये भी एटलीस्ट प्रोसेस अच्छी तरह से शुरू हुआ है। और भी अपडेट्स लिक्विड को फॉलो करते रहिए, हम आपको सब डिटेल्स देते रहेंगे।